हेलो फ्रेंड, मनीष चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा, आज का टॉपिक है एक डीटीएच पावर सप्लाई का कंपोनेंट वैल्यू एंड उसका डिटेल। आज हम आपको डीटीएच पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड का कंपोनेंट वैल्यू बताएंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि कितना कितना वैल्यू का कंपोनेंट लगता है। बाय द वे, आपका पावर सप्लाई का कुछ भी जल जाता है तो आपको लगाने में दिक्कत जाता है, तो मैं एक बार आपको इसका वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ, फिर रिपेयर करने पर आसानी होगा। सबसे पहले यहाँ से हम न्यूट्रल और लाइन या फेस 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट देते हैं। उसके बाद यह फ्यूज लगा है प्रोटेक्शन के लिए, जिसका वैल्यू है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का लगा सकते हैं। इसमें मेंशन है फ्यूज 2 एम्पियर लाइन 250 वोल्ट, हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का लगा सकते हैं। इसके बाद कॉमन कॉइल, कॉमन मोड कॉइल है। इसके बाद ये पीएफ कैपेसिटर है, इसमें वैल्यू मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं रिपेयर करता हूँ तो मेरे को पता है कि इसमें क्या कौन सा वैल्यू का लगता है। तो 0.01 माइक्रोफेराइड 275 वोल्ट। उसके बाद ये 4 डायोड लगा है, वो IN4007 है, जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पास एक सिरामिक कैपेसिटर लगा है, जिसका वैल्यू है 104 लिख रहा है। और यहाँ पास एक C6 में ब्लू कैपेसिटर लगा है, उसका वैल्यू है 103 और 1 KV का लगा है। और प्राइमरी साइड में 2 और एक्स्ट्रा डायोड लगा है, जो D6 और D5 है, उसका वैल्यू भी IN4007 है। उसके बाद एक IC लगा है जो 8 पिन का है, उस IC का नंबर है बाइपर 22A। उसके बाद टोटल प्राइमरी साइड में 3 रेजिस्टेंस लगा है, जो R2 का वैल्यू है वो 100 किलो ओम का है और R11 का है वो 1 किलो ओम का है, नहीं सॉरी 1 ओम का लगा है, और R10 का है 2.2 मेगा ओम का लगा है, जो R10 R11 क्वार्टर वाट का लगा है, और जो R2 का है वो 1 वाट का लगा है। और प्राइमरी साइड में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है, जो स्मॉल वाला है, इसका वैल्यू है 47 माइक्रोफेराइड 25 वोल्ट। और जो बिग कैपेसिटर लगा है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर करता है, उसका वैल्यू है 47 माइक्रोफेराइड 450 वोल्ट। इसके बाद ऑप्टो कपलर लगा है, जो IC2 के नाम से है, इसका वैल्यू है, वैल्यू का मेंशन है PC817C और 1835। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक ब्लू कैपेसिटर लगा है, जिसका कोड है C5, उसका वैल्यू है 102 1 KV का। इस प्रकार प्राइमरी साइड का कंपोनेंट का वैल्यू मैंने बता दिया है, और प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में एक SMPS ट्रांसफार्मर कॉइल लगा है। प्राइमरी साइड में 4 लेग है और पिन भी बोल सकते हैं, 4 पिन, और सेकेंडरी साइड में 5 पिन लगा है। सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट का वैल्यू हम कल डिस्क्राइब करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए
लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कर मैं सेकेंडरी साइड का वैल्यू बता दूंगा, कितना कितना वैल्यू का लगा है। एक बार इसका वैल्यू को देखते डिटेल्स पावर सप्लाई कंपोनेंट वैल्यू एंड डिटेल प्राइमरी साइड का। सबसे पहले फ्यूज लगता है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर का लगा सकते हैं, जिसका वैल्यू का मेंशन है BLX A और यह 250 वोल्ट में काम करता है AC सप्लाई में। उसके बाद 4 डायोड लगा है ब्रिज रेक्टिफायर जो AC को DC में कनेक्ट करता है। इसका मेंशन है D1 D2 D3 D4, उसका वैल्यू है IN 4007। तीसरा कॉमन मोड कॉइल लगा है जिसका मेंशन है L1 करके। चौथा है PF कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 0.01 माइक्रोफराइड 275 वोल्ट, इसका वैल्यू का मेंशन है C1। एक सिरामिक कैपेसिटर लगा है जिसका वैल्यू है 104 और वैल्यू मेंशन है C8। एक ब्लू कैपेसिटर लगा है 103 KV का जिसका वैल्यू मेंशन है C6 और 2 डायोड लगा है IN 4007, उसका वैल्यू का मेंशन है D5 D6। और एक IC वाइपर बाईस से लगा है UN IC1 और 9वें नंबर में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू का मेंशन है R10 R11 R2। R10 R11 क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2.2 मेगा ओम और 1 ओम, और R2 का 1 वाट का है जिसका वैल्यू है 100 किलो ओम। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्मॉल जिसका वैल्यू का मेंशन है C2, इसका वैल्यू है 47 माइक्रोफराइड 25 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिग बड़ा वाला 47 माइक्रोफराइड 450 वोल्ट, इसका वैल्यू का मेंशन है C4। यही ब्रिज रेक्टिफायर के बाद फिल्टर करता है प्योर DC में। फिर एक प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच में एक ऑप्टो कपलर लगा है जिसका वैल्यू का मेंशन है IC2 PC817C और 1835। और 13वां नंबर कंपोनेंट है ब्लू कैपेसिटर जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ता है। उस कैपेसिटर का वैल्यू है C5 पर है तो 102 और 1 KV का है। और हम कल इसका सेकेंडरी साइड देखेंगे, कल हमारा वीडियो आ जाएगा 5 तारीख की डेट में, तो इस वीडियो को भी देखना तब समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो टेक विथ मनीष यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और इसका सर्किट डायग्राम देखने चाहते हो प्राइमरी सेकेंडरी साइड का तो इसके आई बटन में मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें। और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।